झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र में नसीराबाद गांव में एक विवाहित महिला ने गुरुवार को घर में आत्महत्या कर ली। इस मामले में बकानी पुलिस ने शनिवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। परिजनों की ओर से दहेज के लिए परेशान करने पर आत्महत्या करने की बात कहने पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि नसीराबाद निवासी मुस्कान ने गुरुवार को ही अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग महिला को जिला अस्पताल लेकर आए, यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बिहार में रहने वाली महिला के परिजनों को सूचना दी। उनके शुक्रवार शाम झालावाड़ पहुंचने पर मृतका की मां जानकी बाई ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिन पहले ही वो उसकी लड़की से मिलकर गई थी। वो बता रही थी कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए आए दिन ताने मारते रहते हैं, इससे परेशान होकर उसकी लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने ससुराल पक्ष के सास, ननद और पति नरेंद्र के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में SDM मनीषा तिवारी, DYSP ब्रजमोहन मीणा जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बात की और साथ ही पोस्टमार्टम करवाया। परेशान कर रही थी बहुत दिन से, मार पीट झगड़ा लड़ाई अलग थी 6 महीना से। अच्छा, फिर भी परेशान करती थी। कब से कर रही है? शादी के 3 महीना ठीक रही, 3 महीना के बाद से इसे कर रही है। हम सोचे आज न कल सर सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा क्या, इतना गद पे हमको लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, आपको सूचना किसने दी? सूचना शुरू मुखिया जी ने दी। अच्छा, फिर सोनू का सेठ ने दिया। उसके बाद हम कुछ जानकारी ले लिए, बहुत सारा नंबर रखते हैं, सबसे जानकारी लिए तो पता चला सच बात। उसकी शादी कब हुई थी? आज तो नहीं है सर, लेकिन इतना जानते 2 साल हो रहे हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि सब जीव को सजा मिलना चाहिए, जैसे मेरा बेटी गुजर रही है उसी तरह ही लोग को सजा मिलना चाहिए। अच्छा, कार्रवाई चाहते हैं आप उनके खिलाफ? हाँ, कार्रवाई। अगर आप लोग से नहीं होगा सर तो हम और ऊपर जा सकते हैं, बिहार से भी करेंगे। अच्छा, बिहार से भी सर हमें करेंगे। ये 23 तारीख को एक विवाहिता थी नसीराबाद में, थाना क्षेत्र बकानी। उसकी क्या है कि सुसाइड कर लिया था। हाँ, उसके संबंध में क्या है कि शादी उसकी 2020 में हुई थी और अभी शादी को 2-3 साल ही हुई, तो संबंध में SDM साहब और हम आए हैं, तो उसका बोर्ड के द्वारा PM करवाया जा रहा है। अच्छा, किस तरह का मुकदमा दर्ज किया है सर? इसमें 304 का मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा, किन को मूल्य बनाया सर इसमें? परिवार जो FIR में उसकी सास और ननद, जिनके ऊपर उसने, जो मृतका की माँ है, उसने आरोप लगाए, तो उसमें अग्रिम अनुसंधान महिला अनुसंधान इकाई के डिप्टी साहब द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।